ऑर्गेनिक सीरीज, कंप्लीटली नेचुरल। हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं तो कैंपेन में भी दिखनी चाहिए वो। मैं एक ऐसी कैंपेन का ख्वाब देख रहा हूँ जो कंप्लीटली नेचर पर बेस करती हो। मैं जब आंखें बंद करती हूँ तो खुद को नेचर के रंग के साथ कैनवस के बीचों बीच देखती हूँ मैं। देखो तो क्या कमाल ख्याल है, एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ नीला आसमान। मिस नूर, मैं आपको रोकना नहीं चाहती मगर करीम साहब बोल रहे थे कुछ। नूर, प्लीज कंटिन्यू। मगर सब्ज होना भी जरूरी है, जंगल हो, ग्रीन का हर शेड हो। सारी कैंपेन का बेड़ा गर्क कर देंगी ये खातून। और मट्टी की भूरी रंगत सब्ज पत्तों के साथ मिल जाए, कुशादा जमीन, ठंडी हवा और नीला खुला आसमान, ये सब नेचर के रंग एक माँ की तरह मुझे अपनी आगोश में ले लें। लगता है छपकर डॉक्यूमेंट्रीज देख रही है आजकल। मतलब ये है कि अपने ख्वाबों में अपने आप को इन रंगों में लिपटा हुआ देखती हूँ मैं खुद को। फितरत, ताजगी, कुशादा जमीन, माँ की आगोश, अल्फाज तो मिल गए फरहत। नूर, आइडिया बहुत अच्छा है, तुम्हारा शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आइडिया मिल गया हमारी कैंपेन के लिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है ना हीरा मैडम? आपको लग रहा है कि मुझे आइडिया समझ में नहीं आया? नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने कहा था कि संजक्तार कॉस्मेटिक स्टूडियो को तरजीह देती है, तो स्टूडियो पे फोकस करने लगे हम। आपने ही मुझसे पूछा था कि हमारी पिछली कैंपेन्स किस पर बेस कर रही थी, इसीलिए कहा था कि स्टूडियो को तरजीह देते हैं हम लोग। जो फैक्ट्स थे मैंने बस वही बताए थे आपको। खैर एनीवेज, आज की मीटिंग तो काफी अच्छी रही, राइट? और अब तो आप मिस नूर को भी अपनी एजेंसी में हायर कर सकते हैं। मैंने तो बस वही कहा जो मेरे दिमाग में था। तो जनरल फ्रेमवर्क डिसाइड हो गया, किसी के जहन में कोई सवाल हो तो पूछ ले। बिल्कुल भी नहीं, अब समझ में आया कि आप क्यों कहते हैं कि आसमान की हद है। मैं कहता हूं कि आसमान खुला है फरहत, और मैं ये भी कहता हूं कि जल्दी से एक कुदरती जगह तलाश करें और काम शुरू करें। तो फिर मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।